स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है भाषा, बोली तथा उपभाषा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या होती है और उपभाषा किसे कहते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषा को जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। उपभाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है उसे उपभाषा कहते हैं। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां मानी जाती हैं। अब हम हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों को जानेंगे। पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसकी 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। इसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, मेवाती। चौथी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। इसकी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। पांचवी उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसकी 4 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका। ये भाषा, बोली तथा उपभाषा है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।